राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 8:20 हो चुका है और हमारे नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का टाइम हो चुका है और हम लोग ब्रश कर लिए हैं और गाड़ी यहीं पर खड़ी है। अभी 10-11-12 बजेगा तो प्रोग्राम का मालूम चलेगा। तो देखिए, यही इलाका में हम आते हैं, यही ऑफिस है, कुर्सी के अंदर में यही रास्ता जाता है गुरुद्वारा रोड। और आप तो देखते करते हैं बराबर फ्लैट बिल्डिंग यही दिखता है क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं। अभी नाश्ता बन गया है वाड़ा, तो चलते हैं हम लोग नाश्ता करते हैं। और चंदन बाबू भी हमारे ब्रश कर लिए हैं। ये देखिए वाड़ा डलवा दिए गीला होने के लिए सांभर में। तो देखिए फूल गया, ज़्यादा नहीं बोले तो हम लोग खाने में बहुत मज़ा आता है। देखिए चलिए खाते हैं वाड़ा और सांभर। चंदन बाबू पहले खिला देते हैं। हेलो दोस्तों, नाश्ता तो हम लोग कर लिए, अभी आए हैं गाड़ी का ग्राउंड के टायर के पास और ये टायर हम लोग को खोलना है, अंदर बाहर करना है। तो जग देखिए लगा रहे रंजीत भैया, और ये गोटी है ना टायर का, ये पूरा दबा दिया है, तो इसीलिए पल्टी करना होगा तब जाके मेकअप में आएगा। तो पल्टी करते हैं जग उक लगाने के बाद। देखिए टायर को अंदर बाहर करना है, एक साइड दबा दिया है टायर अंदर वाला, तो बाहर वाला टायर को अंदर करना है और अंदर वाला टायर को बाहर करना है। तो रंजीत नीचे रड पकड़ा हुआ है और चाका पना, और चंद्र बाबू खोल रहे हैं, खोल के उसके बाद में निकालते हैं टायर। तो चलिए खोलवाते हैं, खोल रहा है लोग। साइड देखिए अंदर बार हो गया, बाहर वाला टायर को अंदर कर दिए, अंदर वाला टायर को देखिए बाहर। जब से बेलगांव में लाइनमेंट कराए हैं तो बीच में नहीं दबा रहा, ऐसा कभी नहीं दबाया टायर। चलिए एक चक्कर मारते हैं, उसके बाद फिर मालूम चलेगा क्या प्रोसेस है, क्यों ऐसा दबा रहा है, गलत तो नहीं मिला दिया लोग अलाइनमेंट। तो दोस्तों अभी हम निकल गए बिलासपुर के लिए, बिलासपुर से कोयला लोड करना है। अब कोयला वहाँ जाने के बाद मालूम चलेगा कि कहाँ के लिए लोड हो रहा है, कर्नाटक के लिए लोड हो रहा है या महाराष्ट्र में कहीं छोला कोल्हापुर सांगली कहाँ का लोड हो रहा है। तो चलिए जल्दी ये टाटीबंध बाईपास से घूम के जाएंगे, इधर ब्रेकर है घूमेंगे, उधर निकल जाएंगे सटासट। चलिए निकल के गाड़ी लेंगे हम, आगे ब्रेकर टाटी बांध से दहने मुड़ना है दोस्तों हम लोग को, और ये सीधा बिलासपुर चला जाएगा रोड, कहीं इस रोड को छोड़ना नहीं है। अब ये बाईपास बना हुआ है, 6 लाइन है ये बाईपास। देखिए अब हम लोग निकल गए इस रोड में, अब जा रहे हम लोग लोडिंग के लिए, कोयला लोडिंग होगा। हम लोग वहां से निकले हीरापुर से, तो आगे आए तो रोड में पूरा गाड़ी दहने भाई नाचने लगा पूरा लिफ्टर के कारण, क्योंकि वो गिरा हुआ था, उसका जो लिफ्टिंग वाला था ना सिस्टम वो खराब हो गया था, पीछे से तार छूट गया था, तो फिर उसको काट उठ के सही किए, तो अभी लिफ्टर सही चल रहा है। अब देखिए फिर उसको बनवाना भी पड़ेगा, उसमें पलक लगेगा तब जाके डायरेक्ट से वो कटअप होगा वो कनेक्शन, तब जाके वो स्विच सिस्टम काम करेगा। अब देखिए लोड होने के बाद गिरता है कि नहीं अपना लिफ्टर, क्योंकि डायरेक्ट किए हैं और पानी भी पड़ने लगा। बिलासपुर लोड में हम लोग निकल गए हैं, थोड़ा परेशानी झेलना पड़ा। और कहाँ का लोडिंग होगा मालूम नहीं है, कहाँ का लोड होगा, लेकिन अब वहाँ जाने का लोड बिल्टी उल्टी मिलेगा उसके बाद मालूम चलेगा, या तो महाराष्ट्र एंडिंग या तो कर्नाटक का लोड होगा, कोई गाना कंपनी का माल लोड होगा, गाना फैक्ट्री अब चालू हो जाएगा ना, और ऐसे भी चालू है अल्कोहल वाला कंपनी, तो उसी में माल जाएगा। और देखिए हम लोग रोड में तो निकले हैं लोडिंग करने के लिए कोयला, वहाँ पर भी लगता है पानी पड़ेगा तो परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि माल भींगना नहीं चाहिए और जाली मार के तिरपाल भी मारना पड़ता है। अब ऐसा में कैसे माल लोड होगा, कैसे तिरपाल रास्ता बंधाएगा, क्योंकि पानी तो मार रहा है थोड़ा स्पीड में। क्या दोस्तों हम लोग सिमगा सिटी के अंदर आ चुके हैं और इधर गाड़ी सबका काम होता है बड़ा गाड़ी का, और इधर भी देखिए टोटो ये सब लगा हुआ है, देख सकते हैं इधर गाड़ी उड़ी का बढ़िया से काम होता है, बड़ा गाड़ी का इधर सब सामान उमान भी मिलता है, बढ़िया से काम होता है। और सीधा सिमगा सिटी में हम लोग जा रहे हैं, अभी बाईपास हम लोग बार बार जाते थे ना, अभी सिमगा सिटी में हम लोग गाड़ी इसलिए लेके आए, चले देखे बहुत दिन हो गया सिमगा सिटी से गया हुआ, तो दिखाते हैं हम लोग सिमगा सिटी। यहाँ पे यही सिमगा है पुराना रोड अंदर वाला मार्केट, अब बाईपास हम नहीं गए, हम बोले चलो अंदर चल देखिए, यही है, ज़्यादा कोई खास बाजार नहीं है लेकिन बहुत रौनक वाला बाजार है सिमगा। देखिए पार कर यही बाईपास जाएगा, ये जाके
ये आपको निकल जाएगा फोर लाइन में आगे, और ये सीधे निकलेंगे आगे फोर लाइन में आ गया। हेलो दोस्तों, नंद घाट वाला नदी हम लोग पार कर रहे हैं अभी, और देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ और सामने से पानी भी पूरा गिर रहा है स्पीड में। और देखिए बगल में ही पुराना पुलिया है, और ये पत्थर का बनाया हुआ है, सिर्फ पत्थर, और पहले जमाने का बात ही कुछ अलग था। पुल का इतना लाइफ था ना, अभी भी देखिए लाइफ है कि कहीं टूटा नहीं हुआ है, जरा सा क्रेक नहीं आया कहीं भी, पुराना चीज का बात ही अलग था। अभी नया पुल में तो फट फट टूटने लगता है क्या पापा? तो पुराना पुल है, नया पुल बना हुआ, उसके पानी पूरा खत्म हो गया दाहिने वाला, फोर लाइन का डबल पुल बना हुआ है। पहले का बात है कुछ ऐसी तरह कड़ी सामान था, सब कोई तरह का दिक्कत नहीं था, और इधर सब सामान भी जरा दो नंबर का सब सामान हो गया। दोस्तों चलते गाड़ी में खाना बना ले रहे हैं, चावल चढ़ा दिए, वहाँ जाएंगे कि टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पापा? तो वहाँ जाके 10 मिनट दाल बन जाएगा तुरंत क्या फ्राई वाला? भूख लग गया भाई, अब बोले चलो चावल बन जाएगा तो गाड़ी खड़ा करेंगे, 10 से 15 मिनट में फ्राई वाला दाल बना देंगे, तड़का लगा के मस्त बन जाएगा एक नंबर। चावल चढ़ा दिए अपना। अभी हम बिलासपुर बाईपास में है, और यहाँ से बाईपास शुरू हो चुका है, और ये जो आप देख रहे ब्रिज में बना हुआ, ये सीधे निकल जाएगा आपको चापा, लाइन दे दिया निकलने के लिए ये वाला। और ये बाएं जो गोल है पुराना रोड है सिटी का, ये बाएं से हम घूम रहे हैं, और यहाँ पे वो ब्रिज के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, जो गाड़ी आती है कटघोरा साइड से ना रायपुर जाने के लिए, तो इसका ऊपर ऊपर ब्रिज बना हुआ है जाने के लिए, सामने देख सकते हैं आप लोग। और ये सीधा वाला चल जाएगा सिटी में रास्ता, और यहाँ से हमको बाएं घूमना है लोडिंग के लिए जाना है, तो एक कटघोरा बाईपास हो गया रतनपुर वाला, अंबिकापुर निकल जाएगा, तो वही ब्रिज है सामने खड़ा बना हुआ है देख सकते हैं आप लोग, ऊपर लद्दू तला ब्रिज बना हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं लोडिंग के लिए, लगाते हैं फोन जाके वहाँ पार्किंग खड़ी करके। हेलो दोस्तों, देखिए गाय, ये देहात वाली गाय है, सब अपना अपना गाय खोल दिए चराने के लिए, तो जा रहे चराने के लिए, बहुत सारा गाय है, और सब गाय लाले टाइप में है, कोई कोई सफेद है ना, तो देख सकते हैं आप लोग भोराई टाइप में पूरा गाय है, एक लाइन से गाय खड़ी है। और इसे आगे हम लोग को जाना है, थोड़ा चलते हैं फोन लगाते हैं जाके ब्रिज के नीचे से क्या बोलते हैं। जहाँ पे कोयला लोडिंग होता है दोस्तों, डिपो पास वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, बस बाहर हाईवे के किनारे देखिए पार्किंग है, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो मेरा चावल तो इसमें बन गया है, और इधर दाल भी देखिए, इधर मेरा लहसुन प्याज मिर्चा भी कट चुका है, इधर मेरा आलू भी, तेल भी गर्म हो गया, अब इसमें हम जीरा डालते हैं, तड़का बनाएंगे मसाला वाला। देखिए मसाला डाल के आलू प्याज लहसुन मिर्चा दोनों सब भून दिए बढ़िया से एकदम, और इसमें हम दाल डाल देते हैं, इसको भी बढ़िया से भूनते हैं, दाल डाल के भी दाल डाल दिए, और हल्का चला के बस ऐसी इसको पैक कर देते हैं ढक्कन, है ना, मेरा दाल बन जाएगा। इसमें दो गो आलू भी डाल देते हैं चोखा के लिए। हेलो दोस्तों, अभी आ गए ऑर्डर लोडिंग करने के लिए, तो पलांड वाले आके बोले कि भैया गाड़ी लेके आइए, तो हम लोग जा रहे हैं और लोडिंग करते हैं। एक गाड़ी अभी आई नहीं है, वो भी आ रही है, अरे खाना हम लोग का बन गया, रेडी हो गया, इसमें दाल बन गया, आलू भी बन गया और चावल बन गया, तो ये भी काम हो गया, और हम लोग चलते हैं लोड करते हैं गाड़ी को, राशन रुपये बांधना पड़ेगा हम लोग को। ये तालाब में पानी भर गया है, और बहुत दिन के बाद हम लोग आए हैं लोडिंग करने के लिए, तो आए उस समय पानी नहीं भरा होता, शुरू हुआ था बरसात, अभी तो हल्का हल्का पानी था, अभी देखिए लबालब हो गया, सामने देखिए सीढ़ी के पास पानी आ गया है, नहाने में भी मज़ा आएगा यहाँ पे। और देखिए ये आ गए हम लोग प्लांट में, हमारे आगे गाड़ी खड़ी है, चलिए गेट खुल रहा है, फिर हम लोग घुसते हैं अंदर। देखिए चोखा हम लोग का छौंकाएगा अभी, जीरा और लहसुन से छौंक, लहसुन से अगर छौंकते दाल ना लहसुन चोखा, तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। दोपहर के 3:30 बज चुका है, हम लोग का दाल भात चोखा बन गया, और गाड़ी भी काटा करा के आ गए हम प्लांट में, तो चलिए भोजन करते हैं। तो जय मानपूर्णा, भूख लग गया है, खाना में लेट हो गया, गर्म ही गर्म है दाल भात चोखा क्या बाबा,
हेलो दोस्तों, हम आए थे यहाँ पे करीब करीब आपको 2:30 बजे करीब में, तो थोड़ा देर रुके, उसके बाद में सूचना आया, बोले कि चलिए गाड़ी लेके लोडिंग के लिए। तो हम लोग आ गए लोडिंग के लिए, तो हमारे जो पहले गाड़ी था ना वो सब गाड़ी लोड हुआ, उसके बाद हम लोग का दोनों गाड़ी लोड हुआ। तो काफी यहाँ गर्मी है, तो गाड़ी लोड होकर कम्प्लीट हो गया, काटा वाटा गया, मेरा फाइनल हो गया। तो चंदन बाबू बम्बू लगा के और जाली मार दिए, तिरपाल डाल दिए, तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो बोले पापा आइए रस्सी बांधते हैं। तो रस्सी तिरपाल हम लोग पूरा बांध के कंप्लीट कर दिए हैं चारों तरफ से, तो बांध दिए और तिरपाल बांध के रेडी हो गए, गोणा धो के हम लोग आ गए। और चंदन बाबू भी पूरा मतलब भूत हो गए हैं, देखिए पूरा एकदम भूत हो गए हैं, अकेले जाली मेरा कोयला लोड है गाड़ी में ना, इसकी वजह से माल जब जाली मारना रहा तो बहुत परेशानी होता, बड़ा मेहनत पड़ता है, क्या किया जाएगा। पानी और कोई नहीं है, बगल में तालाब है, लेकिन रात हो गई, तो रात हो गया तो नहरा नहीं देते हैं, टाइम से गाड़ी निकल जाएगा, तो कहीं होटल पर लगा के, हाँ होटल में इधर लगा के नहाया जाएगा। काम भी कराना है, कल रायपुर में रुकना है ना, लिफ्ट हम लोग का उठ नहीं रहा है, ऑटोमेटिक से खत्म हो गया है, नीचे गिर जा रहा है गाड़ी, पूरा हिस्से से डोल रहा है, गाड़ी वाइब्रेशन करने लगता है, इसकी वजह से रायपुर हमको जाना ही पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा, उसका एसीएम को भी दिखा लेना है, और लिफ्ट अभी एक जगह हो जाएगा काम वहाँ भी। तो चलिए ठीक है, रात्रि के 11:30 बज चुका है और अभी हम गए, तो पेपर देखिए मिल गया, पेपर बन गया है, तो पेपर लेके जाना है, अब निकलना हम लोग का, और गाड़ियां निकली महाराष्ट्र वाली, तो हम लोग का जाना है चिकोड़ी, चिकोड़ी से भी अंदर प्लांट है, वो प्लांट में हम माल खाली किए हैं 3 बार, पहला बार तो मैंने पाइप लगाया था, और दूसरा बार भी कोयला, फिर कोयला, और फिर वही माल लोड है। तो चलेंगे, और गाड़ी का हमारा बेल्टी जगा दिए, वो लोग गया है लाने के लिए, तो मेन रोड पर निकलते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ के फिर भोजन जो करेंगे हम लोग, क्योंकि बाबू बनाए नहीं, सो गए हम लोग खाना, तो मेरे पास थका हुआ मिल जाए रसा तिरपाल करने में, जाली जुली मारने में। चलिए ठीक है, तो बाहर निकलते हम लोग, और ये माल जाएगा छत्तीसगढ़ टू कर्नाटक माल, तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो लेट हो ही गया, पेपर तो पहले ही बन चुका था, लेकिन अगला भी फोन नहीं किया था हम लोग का, खुद हमको जाना पड़ा, अगर नहीं निकलता तो सोए रहते, और फोन लेता बोलता किसी का कोई फोन नहीं उठा रहा है, हम बोले कि तू काहे नहीं भाई फोन, तो बोले कि भैया से फोन कोई नहीं उठा रहा है, हम बोले चलो आदमी थका हुआ रहता है सो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग गाड़ी लेके निकल दिए दोस्तों वहाँ कंपनी के अंदर से, और देखिए हमारे आगे हमारा कंपनी का भी एक गाड़ी जा रहा है, हम लोग टोटल 3 गाड़ी आए थे यहाँ पे लोड करने के लिए, जा रहे हैं अब कहीं होटल में जाके खाना खाया जाएगा, क्योंकि खाना तो बना नहीं पेपर का आश्रय में, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये सामने वाला रास्ता जो नीचे वाला रास्ता दिख रहा है, ये सीधा बिलासपुर सिटी में चला जाएगा, और हमारे नीचे एक ब्रिज है, और हम लोग सबसे ऊपर वाले ब्रिज में चढ़ चुके हैं, एक नीचे है उसका ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, तो ये रायपुर सीधा रायगढ़ निकल जाएगा, क्योंकि घुमा के दूसरे रोड में मिला है, तो हम लोग यही ब्रिज में है अभी, और देखिए इसके नीचे से ये ब्रिज पास हुआ है, और ये हाँ वो देखिए उसके नीचे से वो गाड़ी आ रही है, और ये चला जाएगा आपका कोरबा ही सब ना पापा, चापा कोरबा होके चला जाएगा, देखिए अभी हम लोग उतर रहे हैं। रात के 12:40 बज चुका है, और हम लोग अभी होटल में आके रुके हैं, यहीं खाना उना खाएंगे, तो देख लीजिए गाड़ी अपना तीनों लाइन से लगा हुआ है, और हाथ धो लिए, पापा उधर हाथ धो रहे हैं, जाके फिर खाते हैं। रात्रि के 1 बज चुका है, और हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके आ गए होटल पे, और देखिए चना मसाला लग गया हम लोग का, और ये तंदूरी रोटी है, और ये सलाद है, और इसमें अचार है, प्याज है, और गाड़ियाँ हमारी खड़ी है बगल में तीनों गाड़ियाँ, और हमारे देखिए कंपनी का भाई साहब लोग हैं ड्राइवर आए हुए हैं, तो ये लोग बेचारे नए हैं, लेकिन पिंटू को तो आप लोग जानबे करते हैं, ये तो पुराना है लड़का, तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं, कहे कि लेट हो गया हम लोग का वहाँ कागज मिलने में, इसके वजह से थोड़ा सा खाना खाने के लिए हम लोग का लेट हो गया,
जय माँ अन्नपूर्णा। करते हैं भोजन हम लोग, फिर भोजन करके सोचेंगे क्या करना है। सुबह का 4 बज चुका है और हम लोग खाना खा कर वहाँ से चले, तो अभी रायपुर के पीछे में है, मतलब 15 किलोमीटर पड़ेगा रायपुर यहाँ से, तो देखते हैं कि हम डीजल थोड़ा नापना पड़ेगा हमारे को। अब इंडिया पेट्रोल पंप है यहाँ पे, तो चलते हैं डीजल नापते हैं। तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।